चलिए आपको क्राइम की खबरों से दो चार करा दिया, आपको प्रशासन के प्रयास बता दिए, तो आप कुदरत के कहर की भी बात कर लें। जी हाँ, कुदरत का कहर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आसमान से आग बरस रही है। पिछले 5 दिनों में 35-40 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है, दिन का भी और रात का भी। वहीं पर भूकंप के झटके भी महसूस किए गए, लेकिन अभी बात हो रही है तापमान की, क्योंकि पारा 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जिसकी वजह से अब असर पड़ने लगा है बिजली व्यवस्था पर, क्योंकि विद्युत विभाग की कमियां सामने आ रही हैं। सोमवार रात को लो वोल्टेज की समस्या और घंटों की कटौती से लोग बिलबिला गए। माधवपुरम में तो रात भर बिजली नहीं आई, और जो ऐप दे रखा है, जो व्हाट्सएप दे रखा है, उस पर देर रात तक लोग अपनी समस्याओं से विद्युत विभाग को अवगत कराते रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि विद्युत विभाग के अधिकारी उन समस्याओं का जवाब भी दे रहे थे देर रात तक। ये सिलसिला मंगलवार की सुबह तक चलता रहा, जब तक बिजली की कटौती सामान्य नहीं हो पाई। कभी पल्लवपुरम 220 केवी ट्रांसमिशन में दिक्कत आने की खबरें मिल रही थी और वहां के लोग बिजली के लिए तरस रहे थे, तो कभी प्रतापपुर में 132 की लाइन ट्रिप कर गई, जिसका असर टीपी नगर, मोकमपुर और प्रतापपुर में दोपहर के वक्त बिजली गुल हो गई। बिजली आई जरूर, लो वोल्टेज की समस्या से सभी लोग परेशान रहे। नौचंदी इलाके में भी घंटों बिजली गुल रही, और बिजली के आने जाने की वजह से गंगानगर, बच्चा पार्क, लिसाड़ी गेट, शापीर गेट सहित पांडव नगर और वसंत विहार में भी बिजली का संकट जैसे जैसे समय बढ़ता रहा गहराता रहा। भीषण गर्मी से सड़कों पर लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। घर में बिजली कटौती ने पसीना पसीना कर रखा था, तो करीब 4 घंटे से अधिक की कटौती से लोग बिलबिला गए। पिछले 3 दिनों में भीषण गर्मी जो पड़नी शुरू हुई है, इसने सभी व्यवस्थाओं की हकीकत यानी कि पोल खोल कर सामने रख दी है। सबसे दीगर बात यह है कि विद्युत अधिकारी हर समस्या को सामने से देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ट्रांसमिशन को, विद्युत ट्रांसमिशन को सुचारू रूप चलाने के लिए। गर्मी बढ़ने से बिजली का डिमांड भी बढ़ा है, कहने की जरूरत नहीं है। लोड की वजह से बिजली घर पर असर पड़ रहा है, ये भी सब जानते हैं। भीषण गर्मी से बड़ी परेशानी कितने दिन लोग झेल पाते हैं और कितने दिन सड़क पर नहीं उतर पाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बिजली विभाग और बिजली की कटौती से जो लोग परेशान हुए हैं, उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए आप ये कहानी। और हमारे यहाँ से जो सप्लाई जा रही है बिल्कुल ओके जा रही है, कंट्रोल के हिसाब से। यदि थोड़ी बहुत कटौती हो रही है तो वो 33 वाले फीटरों से हो रही है, और कटौती यदि हो भी रही है तो जो टेम्परेचर जा रहा है ट्रांसफार्मर का, अभी हमारे यहाँ 90 जा रहा है जबकि 70-75 होना चाहिए। इसकी कटौती से मेरा सारा का सारा काम धंधा बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है, और गर्मी ने मुझे त्रास त्रास कर रखा है सारी, पूरे दिन पूरी रात गर्मी की वजह से ना कुछ काम होता ना कुछ होता, ना बिजली आती है, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बिजली कटौती ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को सड़कों पर इस भीषण गर्मी में निकलने पर मजबूर कर दिया। बिजली गुल हुई और हाहाकार मचा, तो आला अधिकारियों के कानों तक जैसे ही मामला पहुंचा, तो अधिकारियों को उन इलाकों में तुरंत रवाना कर दिया गया जहां पर सबसे ज्यादा कटौती का दंश लोग झेल रहे थे। स्थिति का आकलन करने के लिए चीफ इंजीनियर डी के गर्ग ने किठौर का दौरा किया, तो अधीक्षण अभियंता शहर बीएम शर्मा, XENA के वर्मा अपनी टीम के साथ शहर के विभिन्न भागों में दौरे पर निकल पड़े। माधवपुरम, प्रतापपुर, टीपी नगर बिजली घर का निरीक्षण किया गया और वहां की सभी व्यवस्थाओं को देखा गया। बिजली घर पर ट्रांसफार्मर्स की स्थिति को देखा गया। अधिकारी और कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए गए। बिजली घरों पर रखे रजिस्टर को भी एक एक एंट्री को चेक किया गया, और ये आंकड़ा जुटाया जा रहा है कि आखिर 1 जून तक कितनी डिमांड थी और 1 जून के बाद अचानक कितनी डिमांड बढ़ गई, और इस डिमांड बढ़ने का क्या कारण है। MD ऑफिस से भी बराबर फील्ड में निकले अधिकारियों के फोन घनघनाते रहे, और पल पल की जानकारी इन फोनों के जरिए दे जाती रही और ली जाती रही। अधीक्षण अभियंता BM शर्मा ने बताया कि गर्मी बढ़ने की वजह से डिमांड भी बढ़ गई है, और इसी की वजह से दिक्कतें सामने आ रही हैं, लेकिन जल्द ही व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया जाएगा। घबराने की, परेशानी की कोई बात नहीं है। ये एक्चुअली पिछले 3 दिन से एम्बियंट टेम्परेचर चूंकि मेरठ शहर का लगभग 44 डिग्री तक टच कर रहा है, उस कारण से जो हमारे इक्विपमेंट्स है वो भी गर्म हो जाते हैं, तथा जो लोड है उपभोक्ताओं का वो भी AC, कूलर आदि चूंकि सभी लोग बहुतायत में चलाते ही हैं, आवश्यकता ही है, गर्मी का मौसम है, नेचुरल है, मनुष्य चलाए गई, तो वो उस कारण से भी हमारे सिस्टम पर बहुत अधिक लोड बढ़ गया है। हालांकि सारी तैयारियां कर ली गई थी, सारी तैयारियां आज भी हैं पूरे 24 घंटे बिजली देने के लिए, परंतु फिर भी एम्बियंट टेम्परेचर अधिक और भार अधिक होने के कारण कुछ लाइनों में ब्रेकडाउन हुआ।
तथा दूसरी तरफ ओवरलोडिंग के कारण भी एक दो बार ट्रांसमिशन एंड से खोल दी गई हमारे यहाँ। जैसे कल शाम की दिक्कत मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल शाम को हमारे यहाँ मोदीपुरम 220 के वी सब स्टेशन है, वहाँ से हमारे जो MES और सोफीपुर फीडर है उसको दो बार एक एक घंटे के लिए खोल दिया गया और एक घंटे के लिए हमारा जो लेडीज़ पार्क बिजली घर है उसको खोल दिया गया। आज सुबह से थोड़ा सा वोल्टेज की प्रॉब्लम है हमारा, तो वोल्टेज को ठीक करने के लिए हम लोगों ने अपने सभी बिजली घरों पर टैप पोजीशंस को बढ़वा दिया है, जिसके कारण से मैंने अभी भी वॉच किया है। मैं माधोपुरम बिजली घर पर इसीलिए विशेष रूप से आया था कल वाली समस्या को देखने के लिए भी और वोल्टेज की समस्या को देखने के लिए भी। तो टैप पोजीशन बढ़वाने से हमारी वोल्टेज जो पहले वहाँ पर 9.5 से 10 KV हो रही थी वो हमारी अब 11 और 11.5 के बीच में हो गई है। इससे निश्चित रूप से आज रात्रि में उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। बिजली की बात कर ली, प्रशासन की बात कर ली, क्राइम की बात कर ली, अब डॉक्टर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अपील पर डॉक्टर्स पूर्ण रूप से हड़ताल पर रहे। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के विरोध में मेरठ में सभी डॉक्टर्स ने चिकित्सा सेवा को पूरी तरह से ठप कर दिया है। एक्ट को लेकर विरोध जता रहे निजी चिकित्सकों ने इमरजेंसी सेवा को भी ठप कर दिया, जिसके चलते क्लिनिक्स पर ताले लटके रहे। जबकि एक्ट को लेकर अपना विरोध जताने के लिए करीब 200 डॉक्टर्स दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 को लेकर डॉक्टर्स का तर्क है कि इसमें लाइसेंस राज हावी हो जाएगा, एक क्लिनिक के दर्जनों लाइसेंस वाजिब होंगे और लेने पड़ेंगे। इसके साथ ही क्लिनिक और सुपर स्पेशलिस्ट सेंटर में एक जैसे मानक तय हो जाएंगे। वहीं अपनी मांगों को लेकर विरोध जता रहे डॉक्टर्स ने कमिश्नरी चौराहे पर कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी डीएम कार्यालय में सौंपा गया। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 को जन विरोधी करार दिया, जिसके आने से प्रदेश के सैकड़ों अस्पताल बंद हो जाएंगे और चिकित्सा सेवाएं महंगी भी हो जाएंगी और आम आदमी की पहुंच से दूर भी हो जाएंगी। भैया दो मिनट की ना चलाते जाते घर में। पूरे भारतवर्ष के स्तर पे डॉक्टर्स का एजिटेशन धरना प्रदर्शन है, जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के विरोध में। इस एक्ट में बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली मरीज के हित को प्रभावित करते हैं। मरीज को इलाज महंगा होने के डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होता है, ड्रग कंपनी जिम्मेदार नहीं होती है, जिम्मेदारी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है। इसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट टिल वेस्टर्न कंट्रीज़ के उस पर बनाया गया है, लेकिन वहाँ पर हर एक मरीज इंश्योर्ड होता है। वहाँ पर अगर कोई रक्षा वाला, पहले रक्षा है नहीं, अगर रक्षा वाला भी है, लोअर कास्ट तक, लोअर लेवल तक के लोग भी इंश्योर्ड होते हैं। हिंदुस्तान में भी ऐसा कुछ है नहीं और इस क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट को यहाँ पे लागू किया जा रहा है। तो हम लोगों का इसके विरोध में भारतवर्ष के पूरे स्तर पे धरना प्रदर्शन है और यहाँ पे हम लोगों ने अपना कार्यक्रम बनाया है कि आज यहाँ पे डीएम साहब को ज्ञापन देने के बाद IMA हॉल में इसी संदर्भ में गोष्ठी होगी। पूरे देश में ऑटोनॉमी दी जाए डॉक्टर्स को, जैसे अभी जेनरिक और मेडिसिन के बारे में चल रहा है, जिससे कि कम से कम जो दवाई लिखी जाए उसके उपलब्धता कराई जाए, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाए, प्रॉपर मेडिसिन बनाई जाए जिससे अच्छी से अच्छी जनता को दवाइयां उपलब्ध हों। हम इसके अगेंस्ट नहीं हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस माध्यम से पूरी जनता तक ये संदेश पहुँचे। हम जनता के साथ हैं, हम जनता के हित में ही स्ट्राइक कर रहे हैं। आज होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है, लेकिन यदि हम आज नहीं करेंगे तो आने वाले समय जनता को छोटे छोटे गाँव में जगह जगह बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के विरोध में प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम और क्लिनिकों पर ताले लटके रहे, प्राइवेट डॉक्टर्स हड़ताल पर थे। दूसरी तरफ सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं इस पूरे समय में अलर्ट पर रहीं और अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाते हुए नजर आई, क्योंकि जिस तरीके की उम्मीद की जा रही थी कि प्राइवेट डॉक्टर्स की हड़ताल पर सरकारी अस्पतालों में भीड़ बढ़ जाएगी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ये बात हमको बताती है कि सरकारी डॉक्टर्स पर अभी
मरीजों का भरोसा नहीं जम पाया है। फिर भी एहतियात के तौर पर सरकारी अस्पताल अलर्ट रहा। दिन के मुकाबले ओपीडी में डॉक्टर्स 2 बजे तक भी बैठे रहे। पर्चा बनाने का जो समय अमूमन 1:30 बजे तक रहता है, उसको बढ़ाकर 2 बजे कर दिया गया था। इमरजेंसी को अलर्ट किया गया था। अतिरिक्त डॉक्टर्स की ड्यूटी भी लगाई गई थी प्रशासन की तरफ से। साथ ही साथ आला अधिकारी भी हर स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। जिला अस्पताल के SIC डॉक्टर PK बंसल ने बताया कि हर स्थिति से निपटने के लिए सभी लोग तैयार थे। प्राइवेट डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर पहले ही बैठक कर योजना बना ली गई थी और डॉक्टर्स को अलर्ट कर दिया गया था कि किसी भी स्थिति में कोई भी डॉक्टर अपनी ड्यूटी से पीछे ना हटे। देखिए, ये जानकारी हमें भी थी और मरीजों को पहले से थी, चूँकि मीडिया में भी आ रहा है, तो हमने अपने सभी चिकित्सकों को ये निर्देश दिए हैं कि वो अन्य दिनों की अपेक्षा तब तक वो सभी रोगियों 2 बजे के बाद भी देखें अगर रोगी आते हैं, और जब तक कोई भी रोगी अस्पताल में रहता है, चाहे OPD में है, चाहे इमरजेंसी में है, चाहे वो पर्चा बनवाने में है, हमने समय सीमा भी बढ़ा दी है और जो भी रोगी रहेंगे उनका पूरा इलाज किया जाएगा। ऐसी दवाई वितरण पर भी हमने निर्देश दे दिए हैं कि वो भी जब तक कोई भी रोगी OPD में हमारे आएंगे उनको दवाई देके जाएं। इसके अतिरिक्त जो इमरजेंसी के डॉक्टर हैं उनको भी हमने कह दिया, कोई भी गंभीर रोगी यदि हमारे चिकित्सालय में आता है उसको भर्ती करके उसका उपचार किया जाए, और यदि कोई ऐसी सुविधा है जिसको संदर्भ करने की जरूरत है तो हम उसको मेडिकल कॉलेज रेफर करेंगे, या आवश्यकता होगी तो हमारे पास ALS एम्बुलेंस है, हम उसको दिल्ली के राजकीय चिकित्सालयों में भी रेफर कर सकते हैं। और व्यक्तिगत रूप से हमने सुबह से भी निरीक्षण किया है OPD का भी, वार्ड का भी। हो सकता है या तो गर्मी के कारण या जागरूकता के कारण रोगी पहले से दवाइयाँ ले गए, अतिरिक्त भीड़ अभी नहीं दिखाई दे रही है। इस ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो सावधानी ही उपाय है। जहाँ तक संभव हो धूप में डायरेक्ट ना जाएं, सिर पे सफ़ेद कपड़ा कैप लगाएं, ढकें, तरल पदार्थ पानी की मात्रा, नमक नींबू का घोल, चीनी का घोल, मट्ठा है, जूस है, सूप है, इस तरह का प्रयोग ज़्यादा करें। और यदि आवश्यक है जाना तो उसमें हल्के रंग के कपड़े पहने, सफ़ेद कपड़े पहने, शरीर को ढके रखें और अधिक समय तक धूप में ना रहें। यदि कोई परेशानी है कुछ समय के लिए छांव में चले जाएं, और उसके बाद भी अगर कुछ ज़्यादा परेशानी होती है, चक्कर आते हैं कुछ रहते हैं, तो चिकित्सालय में आकर उपचार लें। इसमें बचाव बहुत ज़रूरी है। ठंडे पानी का या सादे पानी का अपने शरीर पर आप पानी डालें, सिर पर डालें, हाथों पैरों पर डालें, और ठंडे पानी का सेवन भी करें, पेय पदार्थों का भी सेवन करें। और बहुत ज़्यादा तो सिर के ऊपर हम लोग आइस कैप जैसे रख देते हैं, रख सकते हैं, बगल में जांघ के जोड़ों पे भी आइस क्यूब्स रख सकते हैं, और छांव में रहें, कूलर में लेटें, पंखे में लेटें या AC में लेटें, जैसे सुविधा उपलब्ध हो पेड़ की छांव में लेटें, वो जरूरी है। सीरियल चल में ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बताएंगे पुलिस को कहां सफलता मिली, और छोटी बड़ी खबरों पर नजर बनाए रखेंगे और बात करेंगे आपकी और अपनी।